तो एक तरफ लिखेंगे ऐसे तुई गुप्तचर विभाग और एक तरफ लिखेंगे तुई। हंसाने के लिए हम दो तीन चुटकुला सुने ले रहते उसमें, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। एक लड़का था जिसका नाम था कानूजी वर्मा, कानूजी वर्मा नाम सुने आप लोग, हो गया। और एक का नाम था गुड़िया रानी उपाध्याय, स्कूल बड़ा अच्छा था इसलिए कहां गए रूस पढ़ने, मतलब यहां पढ़ते ही बड़ी नौकरी लग जाता है। भैया जी तो पहला कौन जी, कानू जी केजीबी, और कौन सा हो जाएगा जीआरबी, कहां पढ़ रहे थे रूस। इतना बढ़िया पढ़ाई, इतना बढ़िया पढ़ाई कि इंटर पास करने के बाद उनका सर्विस लग गया इंटेलिजेंस में, कहां पे जी पाकिस्तान में, यानी आईएसआई। तो भाई देखिए कानू जी बॉय हॉस्टल में, गुड़िया रानी किसमें गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ रहे थे, एक ही एक स्कूलों में, नौकरी भी लगा तो एक के जगह, कहां लगा पाकिस्तान में। अब इनका काम हुआ जासूसी करने का और इनको भेज दिया गया अमेरिका, यानी यूएसए। अमेरिका में जैसे देखते हैं आप, देखते होंगे पढ़ते होंगे आप लोग, तो पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, आधा घंटा पढ़ते हैं जैसे ही हम लोग जाते हैं तो तुरंत है। हाँ समझ में आ गया होगा कैसे पढ़ते होंगे आप लोग, मतलब दिन भर स्टोरी देखे में, फेसबुक व्हाट्सएप देखने में परेशान रहते हैं। हाँ तो ये लोग जासूसी करने गया था लेकिन फेसबुक पे बात करने लगा अपने में और दोनों का आई टकरा गया, यानी एफबीआई। एफबीआई कहां का, यूएसए का, बताइए तो सब काम का करेगा सब। अच्छा ये बताओ तुम्हारा दरोगा बन जाओगे तो जाके हिम्मत है मांगने का हाथ, कि हम दरोगा हो गए हैं अपने बेटी को शादी करा दीजिए प्यार करते हैं, है? नहीं जाइएगा। अरे अब तुम अगर पापा से बोलबो करोगे कि पापा अब हम दरोगा हो गए ना, बोलते थे कि बड़ो पढ़ो दरोगा बन गए, अब जाइए तो हाँ हम उनसे प्यार करते हैं जाकर उनसे हाथ मांगिए तो हमारा करती तो कहेंगे मरण जुत्ता दरोगा हो गए हम जाकर हाथ मांगी बेजती। हाँ पूरा एकदम नामे मिट्टी मिला दिला सर। अरे वो आएगा तो हम बात कर लेंगे, हम जाएंगे कोई मतलब हुआ। अब इन दोनों का प्यार हो गया, अब वो समझ में नहीं आ रहा था कि बात कैसे करे। अब कानू जी इसके घर जाए कि ई इसके घर जाए, तब एगो बीच का अगुआ होता है। हाँ अगर आप दरोगा निकल जाते हैं तो कोनो ना कोनो चाचा को पटाते हैं, ऐ चाचा तुम बात करो ना, ऐ चाचा बात करो ना, हैं आप कहते हैं तब जाकर आप शादी होता है। इसी में वो इनके मौसा जी थे, हाँ और कहां के थे इजराइल के, मौसा जी इजराइल के। अच्छा इत्तफाक देखिए, दोनों पढ़ल था किन्ने रूस में और दोनों का माई रहती थी यूके में, एम आई हाँ यानी माई, कहां लोग रहती थी लोग यूनाइटेड किंगडम। अब मौसा जी गए यूके में, इन दोनों के माई से बात कर ली है। फिर से कानू जी गुड़िया जी कहां पढ़े जी, इंटर पास सर्विस कहां की है, एफबीआई कहां टकराया, मौसा जी कहां के, माई लोग कहां पे, चलो माई लोग से बात हुआ। ए हो आपका बेटा रूस में पढ़ा, तो बोला हाँ तो बेटियों रूस में पढ़ी है, आपका बेटा पाकिस्तान में सर्विस करता है बेटियों सर्विस करती है, दोनों हाथ से पैसा आ रहा है, दोनों एक दूसरे को प्यारे करते हैं, तो क्या दिक्कत है, तो बोला है तो क्या दिक्कत है, ऐसा शादी होगा दुनिया देखते रह जाएगा, बोला पक्का, तो बोला हाँ। अब दोनों का ब्याह हो गया तय, मौसा जी एकदम हिट काम कर दिए। अब तीन महीना बाद ब्याह होने वाला है, तो तीन महीना वाला बाद ब्याह होता है, जैसे देखो हमारा बलवा थोड़ा कम हो गया है लेकिन जब सदिया हो रहा था ना तो बलवा अभी तो छिलवैले हैं, बाल है मेरा ऐसे नहीं है, एक कम हो गया है, लेकिन जब शादी होता है ना पूरा तेल ऐसे निकल के बलवा ना झरे, आज तो अचार बोरी पेटवा ऐसे निकल रहा था, तो हर महीने जाकर फेशियल कराता है लोग, जैसे जैसे शादी नजदीक आता है ना फेशियल कराता है। और आज का ट्रेंडिंग चल रहा है पता क्या, फेशियल जिम ये तो दूर पकड़ ही लेता है लोग, और एक ट्रेंडिंग है ना कि छेका के होए के बाद अब ब्याह होए के बीच में कहीं ना कहीं घूमे जरूर जाएगा वो,
अगर वैष्णो देवी चल जाए या कहीं चल जाए और एकदम ऐसे करता रहता है और खूब फोटो डाल जानबूझ के डालता रहता है और कहती है ए जी रघुआ तो बहुत घूमे नहीं ना ऐसे बोलते ना लोग फिर कहते हमरो घुमाएम ना घुमाएम कहे ना ऐसे बोलता है लोग नया नया ट्रेड चल रहा है। तो उसी तरह से सवाक यानी सवरने के लिए खूब पैसा लगा रहे थे लोग। पैसा है इंटरनेशनल शादी हो रहा है भाई लिख लीजिए सवाक है ना जी। और ये हो जाए कहां सवरने के लिए गए ईरान में। ये आप लोग जैसा शादी नहीं है कि सोनीपत में पढ़े तो सिविल लाइन में कोचिंग कर रहे हैं तब देख लो पढ़ कहां रहा है सर्विस कहां कर रहा है माई कहां की है मामा कहां का है सब देख लीजिए मौसा जी। अभी देखिए सवर गए लोग खूब फिट बॉडी वॉडी बन गया एकदम साफ सुथरा। अब समय आ गया ब्याह का। अच्छे का तो कब बात हो गया ना सीधे ब्याह। अब लड़का बराती निकाला तो हाँ पैसा वाला लोग थे बोला बराती का स्वागत कोनो समियाना में नहीं होगा हाँ दूसर देश में। लॉज लिया गया लॉज को चाइना में लेंजा बोलते हैं लेंजा डिपार्टमेंट देख लीजिए इसका पूरा नाम एक्सटर्नल एक्सपर्ट एक्सटर्नल एक्सपर्ट लेंजा डिपार्टमेंट ये जासूस एजेंसी का नाम है। कहां जी चीन चीन। हमको जब भी बराती याद आता है तो बहुत मजा आता है। कैसे मजा आता है नहीं अपना देता अपना तो नहीं जैसे देखिए हम लोग भैया के शादी में गए सब शादी में जाता है बराती जैसी पहुंचता है तो सब अपन अपन जगह ले लेता है। उसमें जो बुजुर्ग होते हैं वैसे कहते हैं चार गो नाश्ता दंडी पर दे दिया चार गो तो हाँ देतनी देतनी भैया देतनी हाँ दुगो औरी होन वाइल बन जा दुगो। तो जो बुजुर्ग रहते हैं वो खाली नाश्ते दिलाए परेशान रहते हैं और कुछ कुछ ऐसे भी आते हैं बराती दुगो डिब्बा ले लेते दुगो डिब्बा भी ले लेते हैं। अच्छा जो लड़की वाले जैसे मान ली बराती आए हैं तो लड़की वाला लड़कों सब पूरा एकदम तत्पर रहता है सब वो सब नाश्ता कराने बहुत तत्पर रहता है। लेकिन नाश्ता कैसे कराता है इसे सब ली ली हाँ अब समझ में आ गया देखता है सब हाँ देखता कि बराती तो सब कोई आया है कि नहीं और जैसे ही पता चला कि दुल्हा रूम में पानी पानी चाहिए पानी आपको पानी पानी पूरा एकदम एकदम लगता है कितना सीधा हो गया है सब। यही बराती होता है। दूसरा बराती का खूबी क्या है नहीं नहीं पहले बता अब ये अब बराती का खूबी क्या है उसमें बूढ़ा लोग तैयार होता है नाश्ता करता रहता है जवन का गायब हो जाता है। जवन का मतलब एने उन्हें गायब आधा एक घंटा बाद आता है सब कोनो ओकरा में देखो आधा 50% जवन का कपड़ा बदल लेता है और 50% कहता है बाबा समझ में आया क्या है कि आधा घंटा के बाद उनको पता चल जाता है कि पहले डोज चला गया है और डोज चला गया और बराती ऐसे से करते रहता है सब। तो यहां चाइना में सब हो गया बराती हो गया सब पीऊ लिया सब अब बोला कि अब नाचे का बारी हो गया। लेकिन शादी कोनो ऐसा थोड़ा है कि बस समय बस बराती से निकले अब आज मेरे यार की शादी है ऐसे से होगा। इसका व्यवस्था अलग किया गया था। फिर हवाई जहाज आया सारे बरातियों को बैठाया गया और ले गया जापान। जापान में डीजे का व्यवस्था था और वहां बराती उतर के बोला नाचो जितना नाचना है नाचो हाँ नाचला कहां पे जापान। ऐसा शादी देख लें जी। अच्छा बराती को खूबी देखे कभी एक आदमी को हमेशा बुलाया जाता है समझ में आता सदिया कोई राम हो को राम का हो महेश का हो या मुकेश का हो लेकिन एक आदमी बहुत ज्यादा फेमस रहता है वो कौन जुली 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 आजा 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 अरे ओ भैया हमरा हो रहा है तो जुलियो का बुला रहे तुम भैया। देखिएगा बजाने वाले बहुत खतरनाक होते हैं एक बोल रहेगा ऐसे कहेगा मतलब उसको करंट लगल है के?
और उसमें एक बात देखिएगा, बैंड बाजा वाला, एक बैंड बाजा कैसे रहता है, इसे बड़ का सबसे भयानक लेता है, लेकिन वो एकदम बजाता भी नहीं है। देखिए ऐसे लॉलीपॉप लागे ऐसे कहेगा, आज मेरे यार के सब ओकर काम खाली वही है वो पोपो करना। देखें गरीब राती आप लोग, और सबसे खतरनाक डबल काम करता है सहनाई वाला, ऐसे समझ गए। सहनाई वाला का ध्यान किस रहता है कि कौन 10 का नोट लहरा रहा है, और वो 10 का नोट छीनने के लिए सब जगह देखा है। ऊपर से सबसे बेवकूफ दूल्हा वो गाड़ी में बैठा रहता है, आ भैया नाच 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 जाते, तू तो ले ले बड़े, हम तो वैसी बानी। हाँ ऐसे करके बराती गया। वही में देखिएगा कुछ लोग भयानक सूट और सिलवर रहते हैं, दूसरा का बराती में डांस करेला और मतलब फ्री में खाना के लिए वही में नाचते रहते हैं। एगो बोला, एओ बोला का कहां से आयल बरात, आयल मतलब अल, यहां कर लीजिएगा मुख्य बरात, अल मुख बरात यानी लड़कवा कहां का है। हो गया जी, वो हो जाएगा कहां का है, इराक का हो गया। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, कहां जाई बरात, तो जाई हटा दीजिए और यहां क्या कीजिएगा मुख बरात, ये जाएगा कहां, लड़की का घर वा कहना है मिस्र। अच्छा ये बताइए, अब ऐसा भयानक साजी देख ले हैं, बराती ठहर रहा है चीन में, आए नाच रहा है सब जापान में, जाएगा कहने मिस्र। समझ में आया। चलिए विदाई से पहले एक सबसे बढ़िया सुनहरा अवसर बता देते हैं जो आपको भी मिलेगा, जैसे आप जब शादी हो जाएगा तो आप अंगना में बैठकर बढ़िया से कुर्सी बैठकर गिफ्ट लीजिएगा। हाँ लेते हैं ना गिफ्ट, गिफ्ट कैसे मिलता है, बहुत मजा आता है, आप भी अभी शादी की जाता है इसे ली मेहमान, फिर कहते हैं ली मेहमान अंगूठी ली, हम बुआ है लड़की के बुआ है, ली मेहमान हाँ ली घड़ी ली, जैसे लग रहा है कि बाप रे बाप गिफ्ट का बहुत छाट चल रहा है, अब लाइन लगल है आदमी गिफ्ट देवे का, एकदम मन गदगद हो रहा है, गाई रहे कोई अंगूठी दे रहा है कोई चैन दे रहा है, और एकदम खुश होते जा रहे हैं, यानी आपका खुशी एकदम चरम सीमा पे जा रहा है, हैं? और उसी में इधर स्टार्ट हो जाता है एक हॉर्न, हॉर्न हॉर्न धीरे धीरे शुरू होता है, जैसे लगता है ट्रेन वो बहुत दूर है इसे। ठीक अब एक ट्रेन आता है, साथ में दो दो ट्रेन और आता है, फिर धीरे धीरे चार पांच ट्रेन एक साथ खुलता है, सब हॉर्न मारता है। अब उसके बाद देखिए गिफ्ट देने वाले पैसेंजर कैसे आ रहे हैं, बहुत खतरनाक तरीका से होता है, और अब सारी लोग साथ में धमकियों देती है लोग, दीदी के बढ़िया से ये बहुत खतरनाक तरीका है। ठीक है, इस तरह से शादी ब्याह हो जाता है, लास्ट में विदाई होता है, और लास्ट में एक वो साथ में झुनझुना भी आता है, जब आपके घर को देखता है कि ससुर जी कैसन है सास कैसन है। ठीक है यही सब है। हाँ इस तरह से शादी मिस्र में क्या हुआ जी, हो गया बारात लग गया ना, तो भाई बारात लगा तो विदाई होगा कि नहीं होगा जी, विदाई हुआ, दूल्हा दुल्हन को हवाई जहाज में बैठाया गया और लाया गया भारत, भारत में उतारा गया, बोला विदाई हो इसलिए रो, रोवे लगा भारत,
यानी आप और भी कह लीजिए सीबीआई और साथ में आईबी। सीआईए फिर से गुड़िया रानी आईएसआई एफबीआई सीआईए मोसाद माई समाज लेंजा नाचो अल मुखबरात मुखबरात रो सीबीआई बस इतना ही जासूस एजेंसी है।